छठ के बारे में कि छठ जो है कार्तिक मास के चौथे तारीख से शुरू होता है और पहला जो है नहाए और खाए पर शुरुआत होता है, फिर दूसरा खरना होता है, फिर तीसरे में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, फिर चौथे में उगते हुए सूरज को अर्घ्य करके ये पूर्ण किया जाता है। जो भी जो व्रती महिलाएं होती हैं जो इस पूजा को करती हैं वो कार्तिक मास के चौथे तारीख से लगातार साफ सफाई का ख्याल रखती हैं और पवित्र होकर करके इसको पूरा 7 तारीख तक कंप्लीट करती हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। ये सिर्फ एकमात्र पूरे विश्व का एक यही त्योहार है जिसके अंदर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि जो डूबेगा वो जरूर दूसरे दिन निकलेगा, उभरेगा और फिर से वो एक नई चमक लेकर के आएगा। थोड़ा सा और प्रोसेस आपको बता दें जो आज की शाम को शुरू होगा। जो मान्यताओं के हिसाब से वो ये है कि जो भी आपके निकटतम तालाब हो या नदी हो उसके अंदर कमर तक पानी के अंदर जाकर करके अर्घ्य दिया जाता है, यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद पूरी रात उसके अंदर खड़े होकर करके सूर्य उगने का इंतजार किया जाता है और जब दोबारा कल सवेरे सूर्य उगेगा फिर उनको अर्घ्य दे करके अपनी मनोकामना मांग कर करके फिर वहां से वापस होंगे। बड़ा परंपरागत तरीका है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी प्रसाद, खास तौर से अगर हम प्रसाद की बात करें तो यहाँ पर बिहार का ठेकुआ यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। होप सो कि इस तरह की परंपराएं और चलती रहें और जो लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती रहे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली के लिए। जनता कोई माई बहन बिटिया लोग प्रति है सबके हम सांसद रवि किशन शुक्र गोड़ छू के प्रणाम करे थे। आज ये घाट पर हमनी के सरकार द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम नगर निगम द्वारा वही बाटे
हम मोदी जी के पूज्य योगी महाराज जी के दिल से धन्यवाद दे कि हमारे भोजपुरिया समाज खातिर हमारे माई बहन बिटिया लोगन खातिर ये घाट का व्यवस्था जो पूज्य महाराज जी 62 करोड़ रुपया करके करलना आज पूरा हमने व्रती माई बहन खातिर काम आवता। प्रशासन के धन्यवाद बा अपने साथ टाटा ग्रुप के MD आयल भारत टाटा सुधार के जे की यही सोच रहा कि कैसे महाराज जी के साथ होके आगे बढ़ावल जाए। और मैं गौरव सिंह जी को धन्यवाद नगर आयुक्त जी को देना चाहता हूं और सभी जितना भी हमारे साथ हमारे प्रशासन के लोग माड़ा उन लोगों के धन्यवाद बांटे। माई सब मनोकामना सबका पूर्ण करे यह माई से प्रार्थना बा काहे कि छठ माई से जे भी कोई मनोती भइल बाटे छठ माई से जो भी मनोती आज तक भइल बा हमके इतना मालूम बा कि हम अपने घरे से काम अपने परिवार से और अपने भोजपुरिया समाज से पूर्ण होला। अराजी विराट कई लाख लोग आज जो एजा बाड़न राम घाट पर राजघाट पर दोनों घाट पर राप्ती माई के राजघाट पर भी बा वहाँ राम घाट पर भी वहाँ भी जितना भीड़ लौका था आज देख के मन बड़ा प्रसन्न हो गई। हमारे समाज के सब लोगन के खातिर हम यह कहें कि माई बड़ा कृपा करे और एक यह सुंदरता के साथ चुकी अब हमके और भी जगह जाएंगे बा लेकिन कुछ गा के सुनेबा कुछ ठंड में गई। हाँ